This is a hospital where you can see they were doing the turnover of 186 crore in 2003 from the profit. ये प्रॉफिट ही है ना, या प्रॉफिट ऑफ 27 करोड़, राइट? तो एक 200 करोड़ का टर्नओवर, 27 करोड़ का प्रॉफिट। अब इन्वेस्टर जानते थे हॉस्पिटल एक्सपांड हो रही है, नए नए ब्रांचेस खोल रहे, आने वाले समय में हॉस्पिटल का धंधा बढ़े। 2022 आते आते यही 200 करोड़ दोस्तों 15,000 करोड़ में कन्वर्ट होगी। अब जब 27 करोड़ टर्नओवर था तब कितने म्यूचुअल फंड थे दोस्तों? 3.31% म्यूचुअल फंड थे। एफआईआई कितने थे? 13%, राइट? पर इन्होंने अपॉर्चुनिटीज को देखा, इन्होंने देखा कि आने वाले समय में अगर हॉस्पिटल ग्रो करेगी तो मेरे पैसे बढ़ेंगे। तो 2001, यहां मैं लिखता हूं 2001 से 2022, ये पूरी टाइम फ्रेम में जब जब बाजार में गिरावट आई होगी तब तब आप देखोगे बड़ा एक्युमुलेशन हुआ होगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म जानते हैं। तो हुआ क्या आज, तो आज हम जब 20 साल बाद देख रहे, द सेम अपोलो हॉस्पिटल हैज टर्न फ्रॉम 200 करोड़ टर्नओवर टू 14,000 करोड़, 15,000 करोड़ टर्नओवर। देयर प्रॉफिट हैव ग्रोन फ्रॉम 27 करोड़ टू 1100 करोड़। सो हु हैव अर्नड एक्सपोनेंशियली दोस्तों? पब्लिक कुछ नहीं कमाया, क्योंकि ये तो सब माल बेच दिया है कि नहीं? इनके पास माल ही माल था, आज कुछ भी नहीं, सब माल बेच दिया क्योंकि शेयर चलता गया, ये बेचते चले गए, बराबर है? म्यूचुअल फंड 3% से आज आप देखो ये म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गई हैं। तो म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज का जो 3.31% स्टेक था, आज 17+4, गिन लो आप कितना बड़ा स्टेक आज म्यूचुअल फंड ने बना लिया, क्योंकि ये लोग जानते हैं किधर पैसा डालना है। एफआईआई, अब दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है, इंडिया की, जो पता नहीं इंडियंस को पता ही होगा, इंडियंस को पता है कि नहीं पता है, एफआईआई जो इंडिया में नहीं है, जो अपने देश में बैठे है, उनका खाली 14-13% स्टेक था। आज दोस्तों ये अपोलो हॉस्पिटल में मालिक से ज्यादा, म्यूचुअल फंड से ज्यादा, इंडियन पब्लिक से ज्यादा ये लोगों का स्टेक हो चुका है। और फिर हम ये कहते हैं कि एफआईआई तो चली जाएगी, एफआईआई तो माल बेच देती है। अरे वो नहीं बेचते, ये तुम लोगों ने बेचा है, उन्होंने थोड़ी ना बेचा है। ये लोग दोस्तों सूंघ लेते हैं, इनको पता है आने वाले समय में ग्रोथ होना है तो अपने को स्टेक बढ़ाना पड़ेगा। अब आज अगर अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों 1,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो ये फॉरेन इन्वेस्टर 500 करोड़ अपने घर ले जाते हैं, अमेजिंग और नॉट? एक इंडियन हॉस्पिटल में से, तो ये तो एफआईआई की हॉस्पिटल हो गई, सही बात है कि नहीं? हॉस्पिटल ऑफ एफआईआई, क्योंकि बड़ा इसमें मेजर स्टेक तो अभी एफआईआई का हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस को नहीं समझा, इन लोगों ने बिजनेस को समझा, ये दुनिया भर में पैसा लगा रहे, राइट? तो बोलना आसान है एफआईआई भाग जाएगी, ये लोग नहीं भाग, राइट? भागते कौन है? जिनको बिजनेस नहीं पता रहे, बराबर? होल पीरियड यू सॉ पैसा स्टेक इनका जबरदस्त बढ़ा, फायदा भी हुआ है इन लोगों, बराबर? कि नुकसान किसने किया? ये लोगों ने, इंडियन पब्लिक। 21% स्टेक था, कितना बढ़िया डिसीजन था, ये कुछ नहीं करते तो भी कमाते। इनको क्या करना था? डीमैट अकाउंट को देखना ही नहीं था खाली, नहीं लेकिन मेरे को तो रोज भाव देखना है, और जिस दिन शेयर गिरता है उस दिन टेंशन आ जाता है, तो रोज भाव देख देख के सब बेच डाला, राइट? यू चेक एनी ऑफ द कंपनीज कैन गो, इधर जो भी कंपनियां बड़ी बड़ी है दोस्तों। अपोलो हॉस्पिटल के केस में एक यहाँ पे ये भी देख लेने का दोस्तों कि इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, लिस्टेड हॉस्पिटल, राइट? पर यस, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे, यहाँ पे आप प्लेज देखोगे, है ना प्लेज? तो ये प्लेज किसका है? ये इन लोगों का नहीं है, ये इनका है, प्रमोटर ने, प्रमोटर जिनका 30% शेयर खुद का है, राइट? उसमें दोस्तों 16% इन्होंने प्लेज किया हुआ है, 16%। तो टोटल कंपनी का अगर हम बोले तो 5% माल स्टेक है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, पर फिर भी देखो प्लेज है, राइट? ये क्यों है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए इस सेक्टर, बराबर? तो ये एक थोड़ा क्वेश्चन का भी हुआ, लेकिन आपके पास दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी हो तो बताओ, हॉस्पिटल में कोई है ही नहीं ऐसी। नेशनल चेंज दोस्तों, नेशनल चेंज की है, क्यों चाहिए? देखो और भी है हॉस्पिटल, जैसे कोवाई मेडिकल अच्छी है, राइट? जैसे शेल्बी में हॉस्पिटल गुजरात की, पर ये सब अगर रीजनल होगी तो रीजनल में दोस्तों पेन होता है, अगर वो रीजन में कोई प्रॉब्लम हो गया आपके बिजनेस अफेक्ट कर सके। हमें हमेशा नेशनल प्लेयर चाहिए जो पान इंडिया हो, पान इंडिया हो और अपने आप को और एक्सपांड करता चला जाए, तो आपकी सेफ्टी बनी रहती है दोस्तों, राइट? कोई भी एक स्टेट से अगर दुश्मनी हो जाए, वहां की पॉलिटिकल पार्टी से भी, तो भी चिंता नहीं रहती है, वो एक स्टेट में नुकसान होगा, कुछ ना कुछ अड़चन हो सकती है, पर पूरा भारत है फिर आपके धंधा करने के लिए, राइट? सो